नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आइडीज़र अकेडमी में। और अन अकेडमी पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर टेक्निकल पोर्शन ज़्यादा है और यूट्यूब पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं, ठीक है, तो आप दोनों ही जगह देख सकते हैं। आज इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात हुई थी, तो वो थ्योरी वाला पार्ट था, जिसने ना देखा हो वो ये थंबनेल आ रहा है और ऊपर लिंक है, आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वैसे तो बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब पर और अदर वेबसाइट्स पर भी कि कैसे मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, पर वो सारा ज्ञान आपको क्या रखने पर मजबूर करता है। पर जिन दोस्तों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, या टेंथ बेस के जो एग्ज़ाम्स हैं या ITI करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के सामने दिक्कत आती है, उनको इतना सब कुछ रटना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा रटना ना पड़े और इमेज प्रोडक्शन, चाहे वो मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, इमेज प्रोडक्शन के पीछे बेसिक क्या है वही मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है ना। तो आपको उस वीडियो को देख कर ये बात समझ आ जाएगी बेसिक फंडा क्या है, और उसी बेसिक फंडे को, उस ट्रिक को यूज़ करके मैं ये सारे एग्जाम्पल आज यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे को यूज करते हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एज एन एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आप लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे को कंटेस्ट कर सकें, समझ सकें, याद रख सकें, आत्मसात कर सकें। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, रटन विद्या से आप दूर हो जाएंगे, और जब मेन एग्जाम में आप मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चन फेस करेंगे तो आप बड़ी जल्दी, आसानी से और श्योरली, एक्यूरेटली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, अपन को इस राइट हैंड साइड पर जो फिगर है इसका इमेज बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो अपन एक्चुअली में इमेज नहीं बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, अपन इमेज का कुछ पार्ट बनाएंगे और उसे ऑप्शन से फटाफट कंपेयर कर लेंगे, और इसी तरह से अपना क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बचेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं अपन कैसे, कि जो इधर अपन को इमेज ऑब्जेक्ट दे रखी है इसका इमेज अपन बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पार्ट ये मैंने बॉक्स बना लिया, थोड़ा सा रफ बन रहा है पर अपन को कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन का रूल क्या था कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना ही दूर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इस सर्कल को देखिए आप, ऑब्जेक्ट की साइड पर ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को मैं कहाँ बनाऊंगा, यहाँ, कि मिरर से जितना दूर ये सर्कल है मिरर से उतना ही दूर इमेज बनेगी इस सर्कल की, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो दो लाइनें हैं डायगनल की पैरेलल जो आ रही है, ये वाली लाइन है। अब इस फिगर को आप अपने ऑप्शंस में ढूंढिए कहाँ है ये, तो आप देखिए कि बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी पूरी इमेज बनाऊं तो ये इसकी पूरी इमेज हो जाएगी। आप देखिए जो अपना रूल है, अपना रूल क्या है, अपना रूल ये है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो हाइट, डिस्टेंस, शेप है, वही सेम की सेम इमेज में दिखेगी। क्यों? क्योंकि मिरर प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो आप देखिए, अभी मैंने इतना समझाया, इतना कहा है, इतना बोला है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, फिर भी अभी एक मिनट नहीं हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको फटाफट से कंपेयर करूं तो ये 20 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल पता है कि भाई मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी है, जो उसकी डिस्टेंस है, जो उसकी हाइट है, जो उसकी डायमेंशन है, वैसी की वैसी इमेज में भी रहने वाली है, तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। आइए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अपन उधर भी देख चुके हैं अपने पिछले वाले लेक्चर में, तो इसमें देखते हैं अपन। ये अपना ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज आंसर में फाइंड करना है, अपन को ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये अपना मिरर हो जाएगा यहाँ, तो मिरर से देखिए आप जितना डिस्टेंस इस मिरर से इस वाले एरो का, उतना ही अपन यहाँ पर एक एरो बना लेंगे। एरो का डायरेक्शन जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इस कॉर्नर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस कॉर्नर की तरफ पॉइंट करते हुए कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए। अब आप देखिए, ये भी अपन को ऐसा ही दिख रहा है और ये भी अपन को ऐसा ही दिख रहा है, पर आप कंपेयर कर लीजिए मिरर के एक साइड पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट का आकार है, वही इमेज का आकार होना चाहिए। तो अपन यहाँ देख सकते हैं क्या, कि ये वाला जो है अपना ऑप्शन, ये तो आउट हो जाएगा और ये वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। देखो तो कितना सिंपल हो गया, फटाफट इसमें देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ मैं मिरर मान लेता हूँ, अब इस ऑब्जेक्ट की अपन को इमेज बनानी है, तो ये बॉक्स तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अपन इमेज ना बनाते हैं, अपन कंपेयर करते हैं फटाफट। यानी कि अब ये देखिए आप, जो ये सर्कल है ये मिरर से दूर है, तो यानी सर्कल का यहाँ आना चाहिए।
अब देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सर्कल इस वाले कॉर्नर की तरफ आ रहा है। एक तो ये ऑप्शन अपने को दिख रहा है और दूसरा ये वाला ऑप्शन अपने को दिख रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो सर्कल की पोजीशन है वो गलत है जो अपना रूल है उसके अनुसार। अपना रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है मिरर से उतनी डिस्टेंस इमेज की होगी। ठीक है, अब आप इन दोनों में देखो कि क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अपनी है इसमें ट्राइंगल और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन जो अपन ने चूज करे इनमें से देखो किस में टच कर रहा है, सिर्फ इसमें टच कर रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से कंपैरिजन अगर अपन करेंगे तो बहुत आसानी से अपन को इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस के। एक और देखिए, यहाँ पर अपन मिरर मान लेते हैं ये, ठीक है। अब आप कंपेयर करो आप तो सीधे डायरेक्ट कि मिरर के पास सबसे पहले क्या है, सर्कल। तो इधर भी इमेज में क्या आना चाहिए, सबसे पहले सर्कल, यानी कि अपन को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सर्कल पहले आ रहा हो। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों में से देखो ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक है, ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक है, यानी कि या तो यही आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नीचे वाला ब्लैक कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है कि पैटर्न किसमें फॉलो हो रहा है। ये देखिए आप, ये वाली पत्ती इधर टेढ़ी जा रही है, मिरर से दूर जा रही है, तो इमेज में भी ये दूर की तरफ ही जाएगी, यानी कि ये इस तरह से। तो अपना क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और देखो। अब यहां मैंने ये मिरर बना दिया, अब जैसा ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने वैसी इमेज बनेगी। तो आप देखते जाओ कि मिरर के सबसे पास क्या है, व्हाइट वाला बड़ा सर्कल। तो मिरर इमेज में भी क्या होना चाहिए, व्हाइट वाला बड़ा सर्कल। कंपेयर करो आप, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ओरिएंटेशन ही बदल गया और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं बदल सकता इमेज में। इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एज इट इज ऑब्जेक्ट की तरह है। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर कभी आ जाता है तो आप चिंता ना करें, आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके आए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बोनस होते हैं फिर। तो जिसने अटेम्प्ट किया है उसे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसे जरूर अटेम्प्ट करना है। ये देखो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था, फटाफट से देखते हैं इसे। तो अब आप कंपेयर करिए आप, तो फटाफट देखो, अगर मैं देखूं इसकी मिरर इमेज तो मुझे ये वाली भी मिरर इमेज लगेगी और ये वाला ऑप्शन भी मिरर इमेज लगेगा। ये दोनों मुझे इसके मिरर इमेज लगेंगे, पर अपन को कंपेयर क्या करना है कि मिरर के पास ये छोटी एज है या छोटी भुजा है, पर ये इमेज में ये बड़ी भुजा है और यहाँ पर छोटी भुजा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, इसी तरह से देखो, इसमें इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करना है। ये देखो आधा आधा सर्कल इस तरह से इस डायरेक्शन में मिरर से दूर जाता हुआ, तो आधा सर्कल मिरर से दूर जाता हुआ इमेज में भी होना चाहिए। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो अपन को अब ट्राइंगल का पोजीशन देखना पड़ेगा। ट्राइंगल की चोंच नीचे है, इसमें ट्राइंगल की चोंच ऊपर है, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया, 4। सिंपल, सिर्फ कंपेयर करो और आंसर फाइंड आउट करो। कंपेरिजन का अपना रूल वही है, क्या कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है मिरर से वही इमेज की दूरी होगी मिरर से। ऑब्जेक्ट का जो शेप है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो आकार है वही इमेज का आकार होगा। अब देखो आप, ये वाला मिनट का डंडा मिरर की तरफ, तो मिनट का डंडा इधर होना चाहिए इस तरीके से। आप देखो किस इमेज में दिख रहा है अपन को ऐसा, सिर्फ 4th ऑप्शन में। क्वेश्चन खत्म। एक और देखो, यहां अपना मिरर है, अब ये तीर मिरर की तरफ जा रहा है ऊपर, तो यहां इमेज में कैसा तीर जाना चाहिए, यूं। देखो ऑप्शन में सिर्फ 3rd ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल, इतनी फास्ट। यहां अपना मिरर अपन ने रखा, तो इधर ए आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मिरर से जितना दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही दूर होगा इमेज। यहाँ ए ही आएगा, इधर मिरर के सबसे नजदीक क्या है, ए है, तो इमेज में भी मिरर के सबसे नजदीक कौन रहेगा, ए। अब ऑप्शन में देखो सब में ही ए है, यानी कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन पहले कंपेयर करो, अब 4 आ सकता है या 1 आ सकता है, ए के बाद क्या आ सकता है, 4 आएगा। तो यानी 3rd ऑप्शन हट गया, 2nd ऑप्शन भी हट गया। 4 के बाद देखो ऑप्शन कंपेयर करोगे 1 और 4, तो 4 के बाद दोनों ही ऑप्शन में सेम है, सिर्फ अंतर का आ रहा है, फाइनली टी का अंतर आ रहा है। तो ए के बाद ये टी है, तो टी का इमेज देखो आप कैसा आएगा, टी का जो इमेज बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, यानी कि ये गलत है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4। सिर्फ कंपैरिजन कराया अपन ने और कुछ नहीं करा।
पूरी इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो ये मिरर अपन को गिवन है, ये मिरर है अपना, तो मिरर के पास जो ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी इधर भी इमेज में आनी चाहिए इस तरह की, यानी कि अपन को इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए इमेज में। ये तो ऐसा कहाँ दिख रहा है अपन को, या तो इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है या इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। इन दोनों ऑप्शन में क्या है, ये जो हैचिंग कर रखी है इसका अंतर है, ये एक में इस तरह से एक में इस तरह से। तो यहाँ पर देखो आप अपने क्वेश्चन में क्या है, मिरर से दूर जाती हुई हैचिंग है, तो यहाँ पर इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो गया अपना, ये वाला हो गया। शुद्ध कंपैरिजन सिर्फ इस आधार पर कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर है मिरर से इमेज उतनी दूर होगी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ अपना मिरर है, अब अपन को इधर इमेज बनानी है, तो ये अपना बॉक्स हो गया। अब इसमें यहाँ आप देखो मिरर से पास यहाँ इस पोजिशन पर है, तो मिरर से इस पोजीशन पर एक होल आएगा, फिर इस पोजीशन पर एक होल आएगा, फिर इस पोजीशन पर एक होल आएगा, यानी कि अपने जो तीनों होल हैं इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आप देखो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर हो सकता है। अब इसमें देखो अपन को जो अंदर होल्स हैं उनमें जो लाइन्स हैं वो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इस वाले होल में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है क्वेश्चन में, तो इमेज में भी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी। तो आप देखो कि मिरर में जो इमेज के सबसे नज़दीक वाला है उसमें किस में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये वाला ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, और सी ऑप्शन तो पहले ही गया था। ठीक है, अब कोई भी एक दूसरा गोला पकड़ के देख लो, यहाँ पर इसमें जो है सेकंड वाले होल में देखो आप, सेकंड वाले होल में क्या हो रहा है, इस तरह की लाइन है, तो अपने मिरर से दूर जा रही है ये अपना मिरर है और इससे दूर जा रही है, तो यहाँ पर इस तरह की लाइन होनी चाहिए। तो आप देखो अपने दोनों ऑप्शन में किस में इस तरह की लाइन है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यानी अपना डी ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजिंग लगा होगा, पर ये बहुत आसान है, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, कंपैरिजन पूरा इमेज नहीं बनाया अपन ने, अपन जस्ट कंपेयर किया है अपन ने, जिसमें अपना आंसर आ गया। ये देखिए आप, ये बहुत ईजी है, अपन को क्या करना है, इमेज बनानी है इसकी, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर इमेज होगी, और सिंपल सी इस तरह की इमेज बन जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए। मुझे इसकी इमेज नीचे की साइड बनानी है, तो नीचे की साइड कैसी इमेज बनेगी, ये आंसर हो जाएगा क्या उस केस में, बी। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन आता ही है तो आंसर भी हो जाएगा, मिरर इमेज का आता है तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं बस अपन, कुछ नहीं कर रहे। और यहाँ देखो एक और क्वेश्चन, अब देखो यहाँ अपन ने मिरर बनाया, तो ये अपना बॉक्स हो गया, मिरर से दूर जा रहा है ये एरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिरर के पास है और ये वाला पॉइंट दूर है, तो अपना इमेज में भी यही बनेगा, ये वाला पॉइंट पास, ये वाला पॉइंट दूर, यानी यहाँ जो एरो बनेगा ऐसा बनेगा। अब आप देखो किस ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, या तो दूसरे ऑप्शन में है इस वाले में, या चौथे ऑप्शन में इस वाले में, इन दोनों में अंतर क्या है, प्लस का। तो प्लस देख लो आप, यहाँ इस लाइन के ऊपर प्लस है, तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर ही प्लस आएगा, और वो भी ऐसा क्रॉस में आएगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, टू आंसर हो गया अपना। ठीक है ना, सिर्फ कंपैरिजन किया है अपन ने। एक और क्वेश्चन देखिए आप, अब आप यहाँ देखो कि मिरर के सबसे नजदीक क्या है, सर्कल, तो मिरर में इमेज में यहाँ भी सबसे नजदीक क्या बनना चाहिए, सर्कल। किस आंसर में ऐसा दिख रहा है अपन को, सिर्फ इस आंसर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मिरर आएगा, इस केस में यहाँ मिरर आएगा, इस इमेज के लिए यहाँ मिरर आएगा, इस इमेज के लिए यहाँ मिरर आएगा। मिरर में सबसे नजदीक गोला किस में आ रहा है, इसमें, फोर्थ आंसर हो गया अपना, सिंपल, एकदम सिंपल कंपेरिजन से। ये एक आखिरी क्वेश्चन और देखिए आप फटाफट, मिरर के नजदीक है ये तीन खड़ी लाइन है, तो इधर भी इमेज में ये तीन खड़ी लाइन है पहले आएगी, और ये ई की जो शेप है ये इसके पीछे इधर जाएगी। अब आप देखो ऐसा कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और कंपेयर करो, यहाँ पर ये पूरा नीचे तक जा रहा है, ये भी पूरा नीचे तक जा रहा है, सिर्फ इसमें है जो एकदम एक्यूरेट इमेज बन रही है, ये पूरा यहाँ से क्लोज हो रहा है जैसा कि ये हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।